जी, अच्छा हमने कुछ स्केजलिंग एल्गोरिदम्स को हमने देखना है कि कितने स्केजली एल्गोरिदम्स हैं और उनके गैंट चार्ट्स कैसे बनते हैं। तो गैंट चार्ट जो है ना, ये आपका एक स्केजलिंग के प्रोसेस को पिक्टोरिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। इसी वजह से इसे चार्ट बोला जाता है। तो ये विजुअल एड है जिसकी मदद से आप जो है वो प्रोसेस को देख सकते हैं कि ओवर द टाइम ये कैसे अपने जो है वो फेस को चेंज करता है, और बेसिकली ये टाइमलाइन को फॉलो करता है कि आपका जो प्रोसेस है ना वो कितनी देर में कंप्लीट हुआ। अब इसमें पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फिर प्रायोरिटी स्केजलिंग, फिर राउंड रॉबिन स्केजलिंग। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास क्या होता है कि ये सबसे सीपीयू का जो सिंपलेस्ट स्केजलिंग एल्गोरिदम है ना वो है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन पहले आ जाएगी उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। इसकी सबसे बस बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि क्वाइट पॉसिबल आपके पास क्यू में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन पहले आ जाए जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है और ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, तो बाकी इंस्ट्रक्शंस में क्या करेंगे, वेट में रहेंगे। अच्छा, वो होता क्या है कि जो स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं उनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, लाइक जैसे अब आपको यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट टाइम और बर्स्ट टाइम दिखाया गया, उनका ना इसको सॉल्व करिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको करना क्या, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे स्टार्ट टाइम सबका ही 0:00 है। इसका मतलब है अब आपको खुद से, यानी कि प्रोसेसर को खुद से जो है खुद से देखना पड़ेगा कौन से प्रोसेस को हम पहले काम करेंगे, मतलब पहले एलोकेट करेंगे। अब इसमें प्रोसेस वन इज डिस्पैच फर्स्ट एंड रन फॉर 24 टाइम यूनिट्स, देयर इज नो प्रिम्प्टेशन। वंस प्रोसेस वन हैज फिनिश, प्रोसेस टू इज डिस्पैच, ठीक है, और फिर प्रोसेस थ्री। 24 यूनिट्स हैव ऑलरेडी इलेप्स, सो प्रोसेस टू स्टार्ट एट द टाइम 24, ठीक है।